ज्ञान अभियान आपका अपना क्लासरूम, इसे सब्सक्राइब करें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एग्जांपल 5, क्या इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, कहते हैं एक ट्रांसवर्सल टू लाइन को इंटरसेक्ट करता है और सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल, और इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ये लाइन भी आपस में पैरेलल है। हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू पैरेलल आर एस, हमें प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल आर एस। तो सॉल्यूशन लेते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल ए बी क्यू का बाइसेक्टर है बी ई, है ना, तो बी ई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इक्वल टू 1/2 एंगल ए बी क्यू, है ना, इसको हमने फर्स्ट मान लेना है। इसी तरह से क्या है, सी जी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस, सो क्या हो जाएगा, एंगल बी सी जी इक्वल टू बी सी जी इक्वल टू 1/2 एंगल बी सी एस, इसको 2 मान लेते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, लिखेंगे बट बी ई पैरेलल सी जी, सो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल बी सी जी, है ना, क्यों हुआ ये एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल, है ना। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो लिखेंगे ए बी ई इक्वल टू ये बी सी जी, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ये और ये आपस में बराबर है, तो इस तरह से ये और ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो फ्रॉम 1, 2 and 3 वी हैव 1/2 एंगल ए बी क्यू इक्वल टू 1/2 एंगल बी सी एस, है ना, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो सो क्या जाएगा, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल बी सी एस, ए बी क्यू ये वाला पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल आपस में बराबर हो गया, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल आर एस, है ना, क्यों ऐसा हुआ, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, जब क्रॉसपोंडिंग एंगल ये और ये एंगल क्या हो गया, क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गया, इस तरह से क्या हो गया, ये और ये लाइन क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया, हमने ये कर दिया प्रूव्ड। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने हर क्वेश्चन के लिए हमें व्हाट्सएप करें।